नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बिजली बोर्ड में अटकी 3,500 कर्मचारियों की पदोन्नति, जूनियर शब्द हटाने की मांग। एनटीए ने जारी किया जेईई परीक्षा का रिजल्ट, वेबसाइट पर देख सकते हैं परिणाम। कांग्रेस अब एकजुटता के साथ साधेगी पूरे हिमाचल को, केंद्र से मिली छुट्टी। काम पर लौटे जिला परिषद कर्मचारियों ने चेताया, 30 तक नोटिफिकेशन नहीं हुई तो फिर करेंगे हड़ताल। नकली नोट मामले में आरोपियों ने किए कई अहम खुलासे, संजौली से पकड़ा आरोपी युवक निकला एडवोकेट। राज्य के 133 डिग्री कॉलेजों में शुरू हुआ एडमिशन का दौर, 10 दिन तक होगा दाखिला। सेब कार्टन के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ सड़कों पर बागवान, जीएसटी 2% करने की मांग। और अब समाचार विस्तार से। बिजली बोर्ड में करीब 3,500 कर्मचारियों की पदोन्नति अटक गई है। टीममेट और हेल्पर के तौर पर सेवाएं दे रहे इन तमाम कर्मचारियों को पूर्व में जूनियर पदनाम के साथ जोड़ा गया था ताकि इनके लिए पदोन्नति के पायदान तय किए जा सके, लेकिन जनवरी 2016 के बाद सभी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतनमान 18,000 रुपए तय हो जाने के बाद जूनियर टीममेट और हेल्पर एक ही पदनाम के साथ समान वेतन हासिल कर रहे हैं। देखिए आखिर मामला है क्या। बिजली बोर्ड में करीब 3,500 कर्मचारियों की पदोन्नति अटक गई है। टीममेट और हेल्पर के तौर पर सेवाएं दे रहे इन तमाम कर्मचारियों को पूर्व में जूनियर पदनाम के साथ जोड़ा गया था ताकि इनके लिए पदोन्नति के पायदान तय किए जा सके, लेकिन जनवरी 2016 के बाद सभी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतनमान 18,000 रुपए तय होने के बाद जूनियर टीममेट और हेल्पर एक ही पदनाम के साथ समान वेतन हासिल कर रहे हैं। ऐसे में जिस उम्मीद के साथ टीममेट और हेल्पर के साथ जूनियर पदनाम जोड़ा गया था अब वो पूरी होती नजर नहीं आ रही है। ऐसे में करीब 3,500 कर्मचारी खासे निराश है और यही वजह है इन दोनों पदों से जूनियर को हटाने की मांग उठने लगी है। बीओडी में इस मामले पर कोई फैसला नहीं हो पाया था, अब बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन दोबारा से इसे सर्विस कमेटी के समक्ष उठाने की बात कर रही है। बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन का कहना है कि टीममेट और हेल्पर के लिए कोई भी प्रमोशन चैनल नहीं है, जूनियर शब्द जोड़ने के बाद सभी का वेतनमान एक समान हो गया है, ऐसे में पदोन्नति होती है तो इसका असर पूरे कैडर पर पड़ेगा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी जेईई 2022 का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। रिजल्ट चेक करने का लिंक भी आधिकारिक पोर्टल पर एक्टिवेट कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने इस बार इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए दाखिला जेईई मेन सत्र 1 परीक्षा में भाग लिया था, वे अपने परिणाम को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी जेईई 2022 की सत्र परीक्षा परिणाम को जारी कर दिया है। रिजल्ट चेक करने का लिंक भी आधिकारिक पोर्टल पर एक्टिवेट कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने इस बार इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए दाखिला परीक्षा जेईई मेन सत्र 1 परीक्षा में भाग लिया था वे अपने परिणाम को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। गौर रहे कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की तरफ से जेईई मेन की जून सत्र की परीक्षाओं का आयोजन 23 जून से शुरू किया गया था। पहले दिन बी आर्किटेक्चर कार्यक्रम के लिए परीक्षा हुई थी, इसके बाद 24 जून से 30 जून तक बीटेक व बी पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा का आयोजन हुआ था। आवेदन की संख्या के आधार पर देश की तीसरी सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा है। डेटा के मुताबिक 9,00,000 से अधिक छात्रों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है। परीक्षा प्रदेश भर के विभिन्न स्थानों पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाते हुए आयोजित करवाई गई थी। दिल्ली से हाई जोश के साथ लौटी कांग्रेस की तिकड़ी अब निचले हिमाचल में पार्टी की जड़ें मजबूत करने में जुटेगी। मंडी से इसकी शुरुआत हो चुकी है और दूसरा पड़ाव हमीरपुर होगा। दिल्ली दौरे से ठीक पहले कांग्रेस के लिए निचले और ऊपरी हिमाचल के बीच बढ़ती खाई चिंता का सबब बनी हुई थी। दिल्ली से हाई जोश के साथ लौटी कांग्रेस की तिकड़ी अब निचले हिमाचल में पार्टी की जड़ें मजबूत करने में जुटेगी। मंडी से इसकी शुरुआत हो चुकी है और दूसरा पड़ाव हमीरपुर होगा। दिल्ली दौरे से ठीक पहले कांग्रेस के लिए निचले और ऊपरी हिमाचल के बीच बढ़ती खाई चिंता का सबब बनी हुई थी। हिमाचल में प्रतिभा सिंह को कमान मिलने के बाद उनकी टीम में ज्यादातर पदाधिकारी ऊपरी क्षेत्रों से संबंधित थे और निचले क्षेत्र में पार्टी के पास कोई भी बड़ा चेहरा नहीं था। सुखविंदर सिंह सुक्खू के माध्यम से पार्टी हाईकमान ने निचले हिमाचल को संभालने की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बड़े अवसर नहीं मिल पाए और यह वजह प्रदेश भर में चर्चा का विषय बनती जा रही थी।
हाल ही में कांग्रेस कमेटी की टास्क फोर्स की बैठक दिल्ली में हुई है। प्रियंका गांधी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रदेश के तीनों बड़े नेता मौजूद थे। इसमें प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू को एकजुटता का पाठ पढ़ाया गया है। और दिल्ली से ही कांग्रेस नेताओं ने लोअर हिमाचल को साधने की भी तैयारी कर ली है। हमीरपुर से कार्यकर्ता सम्मेलन के बहाने कांग्रेस ने लोअर हिमाचल की खाई को पाटने के साथ ही तीनों नेताओं के एकजुटता का संदेश देने की भी तैयारी की है। हिमाचल प्रदेश सरकार से जिला परिषद कैडर कर्मचारियों की मांगें पूरा करने के मिले आश्वासन के बाद सभी कर्मचारी कार्य पर लौटे हैं। 14 दिन की हड़ताल के बाद पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, कनिष्ठ अभियंता सहित अन्य कैडर कर्मचारियों ने प्रदेश के सभी विकासखंड कार्यालयों में ज्वाइनिंग दी। देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश सरकार से जिला परिषद कैडर कर्मचारियों की मांगे पूरा करने के मिले आश्वासन के बाद सभी कर्मचारी कार्य पर लौटे हैं। 14 दिन की हड़ताल के बाद पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, कनिष्ठ अभियंता सहित अन्य कैडर कर्मचारियों ने प्रदेश के सभी विकासखंड कार्यालय में ज्वाइनिंग दी। हालांकि जिला परिषद कर्मचारियों की हड़ताल बीते शुक्रवार को समाप्त हो गई थी, लेकिन दो दिन सरकारी छुट्टियां होने की वजह से जिला परिषद कर्मचारियों ने सोमवार को कार्यालयों में ड्यूटी ज्वाइन की है। ऐसे में रविवार को प्रदेश की कई पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन सिलाई अध्यापिकाओं व ग्राम रोजगार सेवकों को ही करना पड़ा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों की 5 मांगों को शीघ्र पूरा करने का आश्वासन दिया है। ऐसे में सीएम से आश्वासन मिलने के बाद सभी कर्मचारियों ने सोमवार से अपना कार्यभार संभाल लिया है। साथ ही उन्होंने ये भी चेताया है कि 30 जुलाई से पहले सरकार इस बारे में अधिसूचना जारी नहीं करती है तो फिर हड़ताल के लिए बाध्य होंगे। हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने शिमला और आसपास के एरिया में भी नकली नोट चलाए हैं। नकली नोट मामले में संजौली से गिरफ्तार किया गया युवक एडवोकेट है। पुलिस की पूछताछ में नकली नोट छापने के मामले में कई अहम खुलासे हुए हैं। देखिए ये क्राइम रिपोर्ट। हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने शिमला और आसपास के एरिया में भी नकली नोट चलाए हैं। नकली नोट मामले में संजौली से गिरफ्तार किया गया युवक एडवोकेट है। पुलिस की पूछताछ में नकली नोट छापने में शनिवार को स्थानीय पुलिस के सहयोग से संजौली में छापा मारकर एडवोकेट नवनीत और उसके साथी विकास को गिरफ्तार किया। मामले से जुड़े तीसरे आरोपी उत्तर प्रदेश के BAMS पवन को कैथल से गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपियों को अदालत में पेश कर एक दिन के रिमांड पर लिया गया है। अब तक पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को काबू किया है। एडवोकेट नवनीत ने हाल ही में लॉ की पढ़ाई पूरी की है। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले तक मंडी अदालत में प्रैक्टिस करता था, लेकिन सिर पर कर्जा होने के कारण उसने वकालत छोड़ दी। शॉर्टकट के माध्यम से पैसा कमाने की सोची और लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद लग्जरी लाइफ जीने के लिए युवा एडवोकेट अपराध की दुनिया में उतरा। TMT प्लस वाटर टैंक की दीवारें मोटी परत की होने के कारण मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से एक्सट्रीम सर्दी या गर्मी में भी वाटर टैंक को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। प्रदेश के 133 डिग्री कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए सोमवार से एडमिशन प्रक्रिया शुरू हुई। पहले दिन ही कैंपस में काफी चहल पहल देखने को मिली। कॉलेजों में इस बार दाखिले के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरहों की व्यवस्था की गई है। हालांकि ज्यादातर कॉलेजों में ऑनलाइन माध्यम से ही दाखिले दिए जाएंगे। प्रदेश के 133 डिग्री कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए सोमवार से एडमिशन प्रक्रिया शुरू हुई। पहले दिन ही कैंपस में काफी चहल पहल देखने को मिली। कॉलेजों में इस बार दाखिले के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरहों की व्यवस्था की गई है। हालांकि ज्यादातर कॉलेजों में ऑनलाइन माध्यम से ही दाखिले दिए जाएंगे। प्रदेश के डिग्री कॉलेजों के साथ साथ संस्कृत कॉलेजों में भी एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि 10 से 20 जुलाई तक कॉलेजों में प्रशिक्षण सत्र 2022-23 के लिए दाखिले फॉर्म जमा होंगे। ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर भी छात्र आवेदन कर सकते हैं। 21 जुलाई को पहली मेरिट सूची जारी होगी। 22 से 25 जुलाई तक 4 दिनों के दौरान फीस जमा होगी। 26 जुलाई को दूसरी मेरिट सूची जारी होगी। इनकी फीस 27 और 28 जुलाई को जारी होगी। कॉलेजों में इस बार नई शिक्षा नीति को भी लागू किया जा सकता है, इसके लिए भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कार्टन के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदेश के बागवान सड़कों पर उतर आए हैं। कार्टन पर GST को 12% से 18% करने पर बागवान नाराज हैं। बागवान मांग कर रहे हैं कार्टन पर GST को 18% से घटाकर 2% किया जाए। सेब बहुल क्षेत्र ठियोग और रोहड़ू में बड़ी संख्या में बागवान कार्टन की आसमान छू रही कीमतों का विरोध कर रहे हैं।
सेब कार्टन के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदेश के बागवान सड़कों पर उतर आए हैं। कार्टन पर जीएसटी को 12% से 18% पर करने पर बागवान नाराज हैं। बागवान मांग कर रहे हैं कि कार्टन पर जीएसटी को 18% से घटाकर 2% किया जाए। सेब बहुल क्षेत्र ठियोग और रोहड़ू में बड़ी संख्या में बागवान कार्टन की आसमान छू रही कीमतों का विरोध कर रहे हैं। ठियोग में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से एसडीएम दफ्तर तक बागवान रोष मार्च निकाल रहे हैं। रोहड़ू में भी काफी संख्या में बागवान सड़कों पर उतर कर रोष जाहिर कर रहे हैं। पैकेजिंग मटेरियल की बढ़ती कीमतों ने 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के सेब उद्योग पर संकट खड़ा कर दिया है। कार्टन के साथ साथ खाद, बीज और दवाइयां भी महंगी हुई हैं। सरकार द्वारा विभिन्न कृषि इनपुट पर मिलने वाली सब्सिडी लगभग खत्म कर दी गई है। इससे बागवानी निरंतर घाटे का सौदा साबित हो रही है। प्रति पेटी 6 से 7 ट्रे लगती है, यानी इस बार 48 से 56 रुपए प्रति पेटी और 80 रुपए की पेटी लग रही है। कार्टन, तुड़ान, ग्रेडिंग, पैकिंग, भाड़ा सब मिलाकर 20 से 25 किलो की पेटी को मंडी तक पहुंचाने में 300 से 400 रुपए की लागत आ रही है। चलते चलते में कुछ और बड़ी खबरें। सोलन कालका मार्ग पर ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत, दूसरा सवार गंभीर रूप से घायल। शिमला से गायब नाबालिग लड़की कश्मीर के बारामूला से बरामद, पुलिस वापस लाई राजधानी। एचआरटीसी की नई बसों में यात्रियों ने उखाड़े चार्जिंग प्वाइंट कैमरे लगाने की मांग। सराज में रिटायरमेंट से पहले तिरंगे में लिपट कर घर आया लाडला, 31 जुलाई को था घर में समारोह। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना ना भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।